नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपको लेके आई हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम कार्बो एनायंस एंड स्टेबिलिटी, इससे पहले की वीडियोस में आपको मैं बता चुकी हूँ व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड कार्बो कैटायंस, व्हाट आर कार्बो कैटायंस एंड कार्बो एनायंस ऑल्सो। सो इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेन द व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस, हम कार्बो एनायंस की स्टेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न ही उठता है, फर्स्ट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द कार्बो एनायंस। सो आई एम रिपीटेड, द कार्बो एनायन मीन्स द ड्यू टू द हेटरोलिटिक फिशन द स्पीसीज विच हैविंग ए नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेटरोलिटिक फिशन में कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हमारा कोई बॉन्ड है, दिस इज द बॉन्ड, ड्यू टू द बॉन्ड ब्रेक हुआ हमारा, आफ्टर बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू द हेटरोलिटिक फिशन, हेटरोलिटिक फिशन होगा हमारा, तो एक स्पीसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो दिस इज द CH3, या का इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, इसका प्लस चार्ज हो गया, और दिस इज द कार्बन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नोन एज कार्बो एनायन। इसको हम क्या कहेंगे, कार्बो एनायन, इसको हम कहेंगे कार्बो एनायन। सो अब हमने कार्बो एनायन तो बताया, लेकिन कार्बो एनायन के साथ हमें भी क्लियर हो चाहिए थे कि कार्बो एनायन हमारे जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी कार्बो एनायन क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्बो एनायन क्या होता है, टर्सरी क्या होते हैं और मिथाइल कार्बो एनायन क्या होते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो एनायन आयंस, कार्बन आयन आयंस आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री क्लासेस एंड इट इज डिपेंड अपॉन द रिप्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द बेयरिंग कार्बन। इफ ओनली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड देन इट इज प्राइमरी, इफ टू हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड देन इट इज सेकेंडरी, इफ थ्री हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड देन इट इज टर्सरी। क्या कहने का मतलब है, एक कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एक कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसमें केवल एक मिथाइल ग्रुप जिसको हम क्या कहते हैं, आर ग्रुप भी कहते हैं, और दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन के साथ साथ दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और साथ में एक सी ग्रुप, दैट मीन्स वन हाइड्रोजन रिप्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय बेयरिंग कार्बन, जिसमें केवल एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बो कैटायंस के नाम से, कार्बो एनायंस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक कार्बन बेयरिंग टू मिथाइल ग्रुप, दैट मींस टू CH3 ग्रुप एंड विद टू CH3 ग्रुप एंड विद वन हाइड्रोजन एटम, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी कार्बो एनायन, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बो एनायन के नाम से जानेंगे। इसी तरह से एक कार्बन इट इज रिप्लेस द थ्री हाइड्रोजन एटम एंड प्रेजेंटिंग थ्री CH3 ग्रुप विद नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ थ्री CH3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नोन एज द टर्सरी कार्बो एनायन। जैसे कि हमने आपको दिखा रखा है, दिस इज द मिथाइल कार्बो एनायन बिकॉज देयर इज प्रेजेंट थ्री हाइड्रोजन एटम, दिस इज द सेकेंडरी प्राइमरी कार्बो एनायन बिकॉज देयर इज वन आर ग्रुप, दिस इज द सेकेंडरी कार्बो एनायन, दिस इज द टू आर ग्रुप एंड दिस इज द टर्सरी कार्बो एनायन, दिस इज द थ्री आर ग्रुप। ये हो गए हमारे व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी एंड व्हाट इज टर्सरी कार्बो एनायंस। ठीक, अब हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कार्बो एनायंस की स्टेबिलिटी, हम कैसे बताएंगे कि कौन सा कार्बो एनायंस ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। द स्टेबिलिटी देखिए, हम बताते हैं आपको, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन इज रिवर्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायंस एंड द फ्री रेडिकल हैज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दिस वन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है आपकी, ये है आपको, ठीक, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये है, हमने कह तो दिया कि ये रिवर्स होती है इन कंपेयर टू कार्बो कैटायन, लेकिन इसका मेन कॉज क्या, देखिए, सिंस मिथाइल ग्रुप जिसे हम आर ग्रुप भी कहते हैं कंसिस्ट ऑफ प्लस आई इफेक्ट, सो इट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बो एनायंस आयन, hence its results is destabilization, so we can say that on the increasing the minus I effect stability decreases, thus the results 0 degree carbon ions is most stable is compared to the 1 degree 2 degree and 3 degree। kya kehne ka matlab hai, since the CH3 group consists of plus I effect, you know that the R group is the alkyl group increasing the plus I effect, wo kaun sa effect padhata hai, प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है। तो कह सकते हो जैसे कि हमने ये बोला कि हमारे पास ये कार्बन है, ये किससे अटैच्ड है, एक CH3 ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया प्राइमरी कार्बन है।
सेकेंडरी होने के लिए हमारे पास दो सी एस थ्री ग्रुप चाहिए, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोनिल्स। और टर्सरी होने के लिए हमारे पास तीन सी एस थ्री ग्रुप चाहिए, दिस इज द टर्सरी कार्बोनिल्स। ओके, और नाउ लास्ट इज द मिथाइल कार्बोनिल्स की बात करेंगे। तो मिथाइल में कहने का मतलब कोई भी आर ग्रुप नहीं होता है, ओनली अटैच द हाइड्रोजन एटम। हमने बोला द प्लस आई पैक इंक्रीजेस बाय द सी एस थ्री ग्रुप, क्योंकि इसमें कोई भी सी एस थ्री ग्रुप नहीं है, दिस इज द मिथाइल कार्बोनिल्स, ये हमारा मिथाइल कार्बोनिल्स है, इसमें कोई भी आपका सी एस थ्री ग्रुप नहीं है, सी एस थ्री ग्रुप नहीं है, तो इट नॉट शो द प्लस आई पैक, ये आपका प्लस आई पैक शो नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी। प्लस आई पैक का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू वर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अर्थात कहने का मतलब है इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी इन कम्पेयर टू अदर वन। ठीक, नाउ इसको मैं इरेज करती हूँ। नाउ सेकंड इज द सेकंडरी, और इसके बाद हम लेंगे मिथाइल के बाद हम लेंगे प्राइमरी कार्बोनिल्स, दिस इज द प्राइमरी कार्बोनिल्स, क्योंकि इसमें क्या है एक सी एस थ्री ग्रुप है। अब ये थ्री एस थ्री ग्रुप डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू वर्ड द सी एस थ्री कार्बन साइड, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ डोनेट करेगा, कार्बन की तरफ को डोनेट करेगा। अब मैंने क्या कहा, कार्बन की तरफ को डोनेट करेगा, तो इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन है, जिसमें जिससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन का भार बढ़ जाएगा। अभी देखिए इस कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 8 थे, दो दो चार दो छह और ये दो आठ, टोटल मिला के कितने 8 हो गए, और दो सी एस थ्री ने ऐड कर दिए, दो सी एस थ्री ने कर दिए, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। अब आप ये वैसे भी जानते हैं किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। 10 हो जाने से ही जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन और डोनेट करे गए, इट डज नॉट नीड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, केवल 8, लेकिन यहाँ 10 हो गए, 10 होती इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट गई, यानी कि ये क्या हो गया, डीस्टेबलाइज हो गया। सो वी कैन सी दैट इंक्रीजिंग द माइनस आई पैक, कहने का मतलब है जितने ज्यादा सी एस थ्री ग्रुप बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ने का मतलब क्या बढ़ना है, डीस्टेबलाइजेशन बढ़ना है, क्योंकि कार्बन एनायंस का मतलब वो होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पहले से 8 होते हैं। अब यहाँ पर 1 ने डोनेट करा तो इसमें कितने हो गए हमारे 10 हो गए, इसी तरह से अगर ये 2 डोनेट करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें दो दो हैवी ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये दोनों ग्रुप में इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ को डोनेट कर रहे हैं, जिस जबकि इसको चाहिए ही नहीं, यानी कि मैंने कहा मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, और उसके बाद भी आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जा रहे हैं, तो कहने का मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और हम टर्सरी की बात करें तो अगर ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट क्यों कर रहे हैं, ये आपको मैंने बता दिया ड्यू टू द इंक्रीज द प्लस आई पैक, क्योंकि सी एस थ्री ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज द प्लस आई पैक, अब तीन तीन सी एस थ्री ग्रुप अटैच है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी है, डिक्रीज होनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन रहेगा, इनकी डिस्टेबलाइज कौन रहेगा, 3 डिग्री कार्बन एटम, उसके बाद कौन रहेगा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और मिथाइल, मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मिथाइल कार्बोनिल्स इसलिए स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी प्लस आर ग्रुप नहीं है, और ये ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से कितनी होगी आपकी 8 है, लेकिन इसमें एक सी एस थ्री ग्रुप होने से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये प्लस आई पैक इंक्रीज कर रहा है, और आपकी इसकी स्टेबिलिटी मिथाइल के कंपेयर में क्या है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ 2 आर ग्रुप होने से इसकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो जा रही है, क्योंकि प्लस आई पैक इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी सेकेंडरी इज लेस स्टेबल इन कम्पेयर टू प्राइमरी। एंड सिमिलर वे टर्सरी हैविंग ए 3 मिथाइल ग्रुप इंक्रीज द प्लस आई फैट, और स्टेबिलिटी शुड बी डिक्रीजिंग। सो नाउ वी फाउंड आउट दैट मिथाइल कार्बोनिल्स इज मोर स्टेबल इन कम्पेयर टू प्राइमरी, इन कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर टू फाइंड आउट द कार्बोनिल्स, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोनिल्स का। ठीक, तो हमारे दो रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट था हमारा कार्बोकैटायंस, जो हम आपको पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आज हमने एक्सप्लेन करा कार्बोनिल्स की स्टेबिलिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।